अरे सुनो, अरे सुन रही हो, वो मेरा काला चश्मा कहाँ है? डार्क ग्लासेस मिल नहीं रहा है। सुन रही हो? ओ, इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है। शहंशाह बुलाते रहेंगे और मैडम बादशाह सुनती रहेंगी। मैं ही ढूंढता हूँ वो कहाँ गया इनका काला चश्मा। सुन रही हो? ओ बर्पिता, कोई और सोचती थी पांडव। ओए पागल हो गया पाजी, सो रहा हूँ ना मैं। ओ वीरे, अंकल का काला चश्मा घूम गया, उठ जरा हेल्प कर ढूंढने में। मैं क्यों मदद करूँ, तू उठा है, तू जा, मैं सो रहा हूँ गुड नाइट। पर अब तो तू उठ गया है ना ब्रो। मैं उठा नहीं हूँ, तूने मुझे उठाया तो तू जा। बस कर रहा था, चला मदद करा त्यांना, दोघा मिळून शोधा त्यांचा चश्मा, चला। ते बिन्ने मदले इन्ने कुंड वाली चलियो इले रेंडे रे मुझे और कंफ्यूज कर देते हो। ఏం కావాలి? ఓ కాళా చచ్చిమా నీ మిల్ రా, బాత్రూమ్ మే దునియా ఆయా? అరే ఈ బాత్రూమ్ లోకి నీళ్ళే రావట్లేదు, ఇంకా కళ్ళజోడు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మామా అంకజీకి కాలేజ్ స్టేషన్ పోగా దేఖా, ఆల్రెడీ కళ్ళజోడు నన్ను ఎంగ నోడ్లి బ్రో, వదిలి ఒడుకో, అమ్మ నా నోడ్తీని సో ముజే మామా క్యూ బులా రే ఆజ్? అరే ఛలే దుటో తో మాథా ఖరాబ్ హో గయాచే, ఎక్జన్ ఎసి ఎక్కటా ప్రశ్న కర్చే, పోరర్ జన్ ఎసి సేయి ఎకీ ప్రశ్న కర్చే, ఆప్ని ఈ సన్గ్లాస్టా కోతో దేఖేచెన్? యా నా ఇల్ల కండిల్ల बार बार फोन क्यों करता है? ओ अंकल का काला चश्मा नहीं मिल रहा, तूने देखा कहीं? हाँ देखा था, फिर मैंने तुम छोड़ो मैं दे दूंगी। अरे भाभी ये लीजिए। अरे यहाँ पहले एक बात क्लियर कीजिए। थैंक यू। काला चश्मा अभी क्यों चाहिए आपको? ये धूप का चश्मा मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि अब मुझे ये चाहिए नहीं, कुछ दिनों घर के बाहर तो जाना नहीं है ना, इधर उधर पड़ा रहेगा तो खो जाएगा तो फिजूल में आप सब लोगों को ढूंढना पड़ेगा, अब क्यों आप सबको तकलीफ दूंगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फिल्म को बनाने में हम सब में से कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकला, जितने भी कलाकार आपने देखे सब अपने प्रांत अपने शहर अपने घर में थे और वहीं पर शूटिंग की, कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। आप भी घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि तभी आप इस खतरनाक कोरोना बीमारी से सुरक्षित रह पाएंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। इस फिल्म को बनाने के पीछे एक और मकसद है, हमारे देश का फिल्म उद्योग एक है, हम सब एक परिवार है, लेकिन हमारे पीछे एक और बहुत बड़ा परिवार है जो हमारे लिए काम करता है, वो है हमारे वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स जो इस लॉकडाउन की वजह से संकट में है। हम सब ने मिलकर स्पॉन्सर्स और टीवी चैनल के सहयोग से धनराशि इकट्ठा की और इस संकट की घड़ी में ये जो धनराशि है वो हम देश भर के फिल्म उद्योग के वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स को राहत के तौर में देंगे। सो डोंट बी स्केयर्ड, डोंट पैनिक, बी सेफ, दिस टू शैल पास, टल जाएगा ये संकट का समय। धन्यवाद, नमस्कार।